तो हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो आज से मैं आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि है इंग्लिश क्लास 7 सीबीएसई पैटर्न। तो आज से मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में एक इंग्लिश प्रोवर्ब बताऊंगा। प्रोवर्ब मींस मुहावरे। मुहावरे आपको पता होगा, तो इंग्लिश के प्रोवर्ब्स बताऊंगा मैं आपको। आज का प्रोवर्ब है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। इसका मीनिंग क्या है? जो जर्नी होती है 1000 माइल की, वो हम पहले स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं। मीन स्टेप बाय स्टेप ही हम 1000 माइल पूरा पहुंचते हैं। तो पढ़ाई भी वैसा है। आप अगर कोई लेसन पढ़ रहे हो तो उसे पहले पूरा रीड कीजिए, फिर उसको समझिए, वैसे ही आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए उसे। तो आज भी हम स्टेप बाय स्टेप ग्रैनीज फैबुलस किचन को पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है। तो ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो अपने दादी के मींस नानी के घर आता है। हॉलीडेज में अपने नानी के घर एक महीना रुक के जाता है और वो वहां पर वेकेशंस में क्या क्या करता है वो बताता है। तो चलो अब पढ़ते हैं हम। एज किचन वेंट इट विजंट ऑल दैट बिग एट वॉजंट बिग एज द बेडरूम or the living room, but it was big enough, and there was a pantry next to it. What made it fabulous was all that come out of it good things to eat, such as cake and curries, chocolate fuzz and peanut toffee, jellies, jam tarts, meat pies, stuffed turkeys, stuffed chicken and stuffed eggplant. स्टफ एग प्लांट मीन्स बैंगन। तो इसका मीनिंग क्या है? उनका जो घर था उसमें जो किचन था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, वो किसी बेडरूम की तरह बड़ा नहीं था, वो लिविंग रूम की तरह बड़ा नहीं था, और उनके किचन के पास एक दुकान थी, पैंट्री दुकान थी, जो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी खाने के लिए चीजें मिलती थी, जैसे केक, करीज, चॉकलेट फ्यूज, पीनट टॉफी, जेली, जैम ट्राट्स, मीट पीस, स्टफ टर्की, स्टफ चिकन एंड स्टक एग प्लांट। तो ये उस दुकान में मिलता था जो उस किचन को बहुत अच्छा बनाता था। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ। एज फार I was concerned that Granny was the best cook in whole wide world. Two generation of clerks had lived in India, and my maternal grandmother had settled in a small town in the foothills, just where the great plain ends and the Himalayas begin. The town was called Dehradun. It's still there, though much bigger and busier now. The granny had a house, large rambling bungalow, on the outskirt of the town, on the old survey road, in the ground where many trees, most of them fruit trees, mangoes, lychees, guavas, bananas, papayas, lemons. There was room for all of them, including a giant jackfruit tree casting its shadow on the wall of house. तो ये जो लड़का है वो कॉन्फिडेंस रहता था कि उसकी ग्रैनी जो थी वो बेस्ट कुक थी पूरे वर्ल्ड की। तो उनकी दो जनरेशन थी इन इंडिया, उनकी इंडिया के दो जनरेशन थी, बट उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स उनकी नानी जो थी, उसकी नानी जी थी, वो सेटल हुई थी एक छोटे से टाउन में। उस टाउन मीन्स ग्रेट प्लेन में एंड होता था और हिमालय वहां से स्टार्ट होता था। उस टाउन का नाम था देहरादून। और अब ग्रैनी का बड़ा हाउस था तो वो बहुत बिजियर और मीन्स मच बिगर एंड बिजियर होती थी। और उस मीन्स ग्रैनी के हाउस में बहुत सारे ट्रीज थे, मैंगोज, लीची, बनाना, पपाया, लेमन्स एंड जायंट जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट था उनके घर के घर पर जो शेडो डालता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज गुड हाउस टू लिव स्पेशली फॉर 9 year ओल्ड बॉय विथ रिमांडियस एपेटिटी। इफ द ग्रैनी वॉज बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, आई मस्ट हैव बीन द बॉय विथ द बेस्ट एपेटिटी एपेटाइट
Every winter, when I come home from boarding school, I would spend about a month with Granny before going to spend the rest of holidays with my mother and stepfather. तो वो क्या है? उनका घर में उनके घर में एक 9-year-old boy. Tremendous means बहुत बहुत appetite means भूखा बहुत भूखा boy के लिए वो बहुत अच्छी जगह थी. तो Granny was best cook in the world means Granny बहुत अच्छी कुक थी इसलिए उनके पास एक लड़का होना जरूरी था जो बहुत भूखा था भूखा होना चाहिए. एवरी विंटर मीन्स सब विंटर में वो बोर्डिंग स्कूल से अपने दादी के नानी के घर आता था और वो अपने मम्मी पापा के साथ एक महीना नहीं रहता था मीन्स उनके बगैर उसके पहले वो एक महीना अपने नानी के साथ रहता था उसके बाद वो अपने मदर एंड स्टेप फादर के साथ रहता था. द ग्रैनी वॉज ग्लैड टू हैव मी बिकॉज शी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एंटायरली अलोन मीन्स ग्रैनी के साथ में रहना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत अलोन रहती थी अकेले रहती थी लेकिन इतनी भी अकेली नहीं रहती थी. देयर वॉज गार्डनर धुक्की हु लिव इन आउट हाउस एंड ही हैड अ सन कॉल्ड मोहन who was about my age and there was Aya that elderly maid servant who helped with the household work and there was Siamese cat with bright blue eyes and mongrel dog called Crazy because he ran circle around the house and the course of course there was Uncle Ken Granny's nephew who come to stay whenever he was out of job which was quite often or went to the field like enjoying some of the granny's cooking. तो ये क्या बोल रहा है कि ग्रैनी इतनी भी अकेली नहीं थी उनके साथ एक गार्डनर था जिसका नाम था धुकी और उनका बेटा था जिसका नाम था मोहन और उनके साथ एक आया रहती थी जो उसके घर के काम में मदद करती थी और उनके घर के पास एक शियामियस कैट थी जिसके ब्राइट ब्लू आईज थे और एक मोंग्रेल डॉग उसका नाम था क्रेजी. क्यों क्रेजी नाम था? क्योंकि वो घर के मींस राउंड में चक्कर मारता था हर वक्त भागता रहता था और उनके साथ एक अंकल केन रहते थे जिनकी जॉब अगर चली गई तो वो उनके साथ ही रहते थे. तो अब ये एक चेक पॉइंट है. मैं इसके क्वेश्चन आपको पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना. वैसे मैं अभी आपको आंसर दूंगा लेकिन अगर आपको मेरे से पहले आंसर आया तो आप मुझे बताना. हाउ मेनी जनरेशन ऑफ नरेटर्स ग्रैंड मदर हैव लिव इन इंडिया? तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं. तो चलो मैं आंसर बताता हूं. हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था The grannies have two generations. उसके दो जनरेशन थे. Name some fruits that grew in the speaker's grandmother's house. चलो फिर से 10 सेकेंड. तो उनके घर में गावा लीची बनाना पपाया एंड लेमन्स और सबसे बड़ा जायंट जैक फ्रूट का पेड़ था. इतने फ्रूट्स थे उनके पास. When did the speaker usually visit his grandmother's house? चलो फिर से 10 सेकेंड का टाइम. तो वो स्पीकर उसके हाउस में कब कब जाता था? When the winters are coming and his holidays are there, that time the granny's house he is visiting. तो वो विंटर्स में विजिट करता था जब उसके हॉलीडेज आते थे. तो अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ. So the granny wasn't really alone. All the same, he was glad to have me. She didn't enjoy cooking for herself. She said she had to cook for someone. And although the cat, the dog and sometime Uncle Ken appreciate her effort, a good cook like
to have a boy to feed because the boys are adventurous and ready to try most unusual dishes whenever Granny try out a new recipe. She would wait for my comments and reaction and then make a note in one of her exercise book. These notes were useful when she made the dish again or when she tried it out on other. Roast duck. This was one of the Granny's speciality. The first time I had roast duck at Granny's place, Uncle Ken was there too. तो इसका मीनिंग क्या है? ग्रैनी जो थी वो अपने लिए खाना बनाना पसंद नहीं करती थी, वो किसी और के लिए खाना बनाना पसंद करती थी और वो कभी कभी कैट डॉग मींस उनके पास जो कैट थी और डॉग थी और कभी कभी अंकल केन के लिए भी बनाती थी और अंकल केन उसे बहुत अप्रिशिएट मींस उसे बहुत उसकी बहुत तारीफ करती थी कि वो बहुत अच्छी कुक है. लेकिन उसके पास एक लड़का भी होना चाहिए जो क्योंकि लड़के एडवेंचरस होते हैं और नए नए डिशेस को ट्राई करने के लिए उत्सुक होते हैं. और जब राइटर उसके पास जाता था तो उसकी नानी जो थी उसके कमेंट और रिएक्शन के लिए वेट करती थी और उसके उसको अपने बुक में नोट कर लेती थी. क्योंकि जब वो और एक बार वो डिश बनाए तो उसने अगर बोला कि इसमें कुछ कमी है तो वो उस कमी को पूरा कर लेती है. तो ग्रैनी की जो स्पेशलिटी थी वो रोस्ट डक था. तो जब वो राइटर था उसके ग्रैनी के घर गया तब वो उसकी स्पेशलिटी खा रहा था, पहली बार रोस्ट डक खा रहा था. तब अंकल केन भी वहां पर उसके साथ थे. तो ही हैड जस्ट लॉस्ट अ जॉब एज अ रेलवे गार्ड एंड ही हैड कम टू स्टे विद ग्रैनी अंटिल ही कुड फाइंड अनदर जॉब. ही ऑल तो इसका मीनिंग क्या है? अंकल केन जो थे, अंकल केन की जॉब चली गई थी, उनकी जो जॉब थी वो रेलवे गार्ड की थी तो वो चली गई थी, इसलिए वो जॉब मिलने तक अंकल आंटी के घर में रहने वाले थे, दादी के घर में रहने वाले थे. तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, एज लॉन्ग एज ही कुड ओनली मूविंग ऑन व्हेन द ग्रैनीज ऑफर्ड to get him a job as the assistant master in Pandre Lal's academy for small boys. Pandre Lal's academy for small boys. Uncle Ken couldn't stand small boys. They made him nervous. He said, I made him nervous too, but there was only one of me. And there was always the granny to protect him. At the Padre Lal's, there was over of 100 small boys. Means, वो उनके घर बहुत टाइम से रह रहे थे और ग्रैनी उन्हें ऑफर कर रही थी वो Padre Lal's अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, मीन्स असिस्टेंट बनने के लिए. लेकिन अंकल केंजे थे वो बहुत आलसी थे, वो इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बॉयज को नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वो ग्रैनी ने मींस वो लड़का उन्हें नर्वस कर रहा था, जो राइटर है उसे बार बार नर्वस कर रहा था. आई मेड हिम नर्वस टू बट देर वॉज ओनली वन ऑफ मी, मीन्स वो राइटर बोल रहा है सिर्फ मैं ही उन्हें नर्वस कर रहा था. ग्रैनी प्रोटेक्ट हिम, वो ग्रैनी उन्हें बचाती थी, मीन्स नर्वस नहीं होने दे रही थी और बोल रही थी Padre Lal's, there was over 100 of small boys. Means, वहाँ पर 100 small boys को उन्हें संभालना था. Although the uncle came that tremendous appetite at just as much as I did, he never praised the granny's dish. I think this is why I was annoyed with him at time and the way sometime I enjoy making him feel nervous. Uncle Ken looked down at the roast duck. His glasses slipped down to the edge of his nose. तो अंकल केन बहुत भूखे थे और वो बार बार नर्वस हो रहे थे और उन्हें नर्वस करने में उस लड़के को बहुत मजा आ रहा था, मीन्स जो
राइटर है उसे बहुत मजा आता था कभी कभी अंकल के इनको नर्वस करने के लिए, और वो ग्रैनी से बहुत मीन्स और भी अलग डिश मीन्स और अलग डिश भी बोल बनाने को कहता था। और वो जब रोज डक को ऊपर से देख रहा था तो उनके जो ग्लासेस थे वो उनके नाक के पास आ गए। डक अगेन आंट एलन, तो जो वो आंट थी उनकी जो नानी थी उनका नाम था एलन। तो व्हाट डू यू मीन डक अगेन, यू हैवंट हैड डक सिंस यू वेयर हियर लास्ट मंथ, मीन्स वो उनकी नानी बोल रही है तुमने लास्ट मंथ से डक नहीं खाया। तो वो दैट इज व्हाट आई मीन सेड अंकल किड, समहाउ वन एक्सपेक्टेड मोर वेराइटीज फ्रॉम यू आंट, मीन्स वो और भी वेराइटीज एक्सपेक्ट करता है उस आंट के लिए। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं हम। व्हाट वॉज द ग्रैनी स्पेशलिटी, तो फिर से मैं आपको 10 seconds देता हूं। तो ग्रैनी स्पेशलिटी थी वो था रोस्ट डक। इसका आंसर आपको आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो नेक्स्ट, व्हाट वॉज ग्रैनीज नेम, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो ग्रैनीज का नाम, ग्रैनी का नाम था एलन, या हमने अभी अभी पढ़ा था उसको, ग्रैनीज का नाम था, ग्रैनी का नाम था एलन। तो अब हमारा 6th क्वेश्चन, टिल व्हेन डिड अंकल केन प्लान टू स्टे विद ग्रैनी, वो अंकल केन थे ग्रैनी के साथ कब तक रहने वाले थे। तो इसका आंसर है ही डिड नॉट मींस ही हैड जस्ट लॉस्ट अ जॉब एज अ रेलवे गार्ड, मींस उन्होंने अपनी जॉब तो लॉस्ट कर ली थी। हैड कम टू And he had come to stay with granny until he could find the another job. Means वो अपने granny के साथ कब तक रहने आए थे, जब तक उनको अपनी और एक जॉब नहीं मिल जाती। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको मेरे और ऐसी वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी के लिए बाय बाय, इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द लाऊंगा।